बाय। बाय। दिवाली में होंगी। ये देखो पता नहीं से क्या हो गया, मैं कौन हूँ कह रही, मैं स्माइल कर रहा है। लवू मैं कौन हूँ, ये देखो लवू मैं कौन हूँ। यार मुझे पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसे कर रहा है। मेरा सारा सामान पैक हो चुका है, अभी ये है एक बैग, ये बैग, ये बैग। आ जाते हो दीपावली में, क्यों टेंशन है, लो पागल कहेंगे। लिए मैगी और यहाँ हमारा लब्बू पी रहा है। लब्बू आप क्या पी रहे बेटा? इसके भालू को ठंड लग गई, ये देखो ठंड लग गई जनाब के भालू को। भालू को गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम ग्रेस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और आज मैं मायके से ससुराल जाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी हूँ। आप देख सकते हो कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये वो सूट है जो मैंने खुद स्टिच किया था, तो मैंने कहा क्यों ना खुद पहन के जाया जाए, खुद की स्टिचिंग की हुई ये सूट है तो पहन के जाने के लिए। तो गाइज हुआ ये कि अभी जा नहीं रही हूँ, मतलब अभी मैं सिर्फ नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अभी भैया आएगा, थोड़ा उसका काम है, अपना काम कंप्लीट करके आएगा, फिर हम जाएंगे वही 11-12 बजे के अराउंड जाएंगे, जहाँ तक 12 बजे तक जाएंगे। पर मैं तैयार हो गई हूँ, अभी तो 9 भी नहीं बजा। हाँ और फिर जाके अभी बज रहा है 9:15, 9 बजे के बाद हम लोग, अभी तो सिर्फ 9:15 और है, नहा दो कि मैं एकदम रेडी हूँ। भैया के आने का वेट करूँगी, तब तक सामान वगैरह पैक करूँगी। मेरा सामान पैक हो रहा है आधा यहाँ आधा वाले कमरे में, हर जगह सामान ही सामान हो रहा है क्योंकि मैं इतने टाइम से यहाँ हूँ, तो लंबा टाइम होने की वजह से ना बहुत सारा सामान हो गया, इतना सारा सामान बहुत ज़्यादा। और सुबह मम्मी मुझसे गिरी, ऐसा ना बेटियों को ज़्यादा दिन के लिए नहीं आना चाहिए रोते रोते। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा ही होता है, फिर ज़्यादा दिन के लिए आने में ना फिर जाते टाइम बहुत बुरा लगता है। तो गाइस अभी जो है खाना पीना बन गया, मैं बना रही हूँ, मम्मी बना रही खाना मेरे लिए, हम मतलब हम सबके लिए, तो मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख भी लगी है। फिर मिलते हैं आपसे, फिर आपसे कब से पहले बन चुका है, मम्मी ले आई मेरे लिए कढ़ी भी बनी, बट मैंने कढ़ी मना कर दी क्योंकि मुझे नहीं कढ़ी नहीं खाऊंगी मैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे कढ़ी नहीं पसंद। मुझे ये दोनों कॉम्बिनेशन पता है, पसंद आपको पता है, साथ में बैगन की सब्जी पोहे और मक्खन, तो मैं जल्दी से इसे फिनिश कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, फिर वेट करेंगे भैया के आने का। अभी तक मैं यहाँ पे ना वीडियो बना रही थी, ये देखिए स्टैंड अभी भी लगा पड़ा है। तू अपना ध्यान रखना, तू अपना ध्यान रखना, ठीक है ठीक है, फिर दिवाली में आऊंगी। हाँ जान तुम्हारी चैन बार। हाँ हाँ अब दिवाली आई है मैं। हाँ हाँ रो मत, मैं आ जाऊंगी, सब याद कर दे। मेरा सारा सामान पैक हो चुका है, अभी ये है एक बैग, ये बैग, ये बैग, ये बैग, था सारे बैग हैं। इतना सारा सामान मैंने 1.5 महीने में पैक कर रखा है, अभी तो मतलब मैं छोड़ के जा रही हूँ, फिर भी इतना तो पैक है ही। पता नहीं क्या क्या ले रही हूँ, लेके जा रही हूँ। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ, 3 बज चुका है, लेट होते होते बहुत ज्यादा लेट हो गई। क्या पापा बेटा आप चलो चलो मिलो पिठिया लगा दो। Bye.
दिवाली में होंगी। मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। अभी कोई बात नहीं था, अरे नहीं बात तो फिर आ जाते हो। दीपावली में क्यों टेंशन है, लो फिर पागल कहेंगे। अभी थोड़ी दिन बात तो फिर आ जाती है, क्या है हो रहा तेरे को? आपको मेरा फोन कहाँ है? अरे हाथ से बाय। कहाँ गए? चल मैं भी आती हूँ। बाय बाय। हाँ अब आ पाकिस्तान आती, अगली बार आना। बाय। फाइनली ये आ गई मैं अपने ससुराल की तरफ। जी पहुंच गई मैं अपने घर के बाहर। अब बैल बजाती हूँ। कैसे हो? प्रणाम। बढ़िया, मैं तो बढ़िया ही रहती हूँ। सामान निकालना भैया। इससे पहले चाची चाहिए, इसीलिए इससे पहले चाची चाहिए। हाँ कैसे हो? ठीक हो? हाँ ठीक हो। नमस्कार। वो भैया तबीयत पानी ठीक है आपकी? सब बढ़िया। चलो रही थी तो भैया बोया है। और घर में सब ठीक है? कैसा लग रहा फिर आरो चाची को देख के? अच्छा। अच्छा लग रहा? कितना अच्छा? बहुत अच्छा। इसलिए मैगी और यहाँ हमारा लब्बू पी रहा है। लब्बू अब क्या पी रहे बेटा? एकदम जब तक वो फ्रूटी को कम्प्लीट नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा ना, फिनिश नहीं होगी तब तक वो किसी दिन बोलेगा। अरे सूखी तरी जैसी बनाते हो बना दो। ये देखो एक बेटा ऐसे पी जाती है फ्रूटी। फ्रूटी को 10 घंटे लगा के नहीं पिया जाता, समझे? और एक लड़की है जो इस फ्रूटी को पीने में बिल्कुल, उसने अभी तक मतलब दिन में दी थी उसको जब मैं आई थी उस टाइम से, और अभी तक नहीं पिया। ये उठ के आया, हमारे बच्चे ने पी भी ली। तो पहुंच चुकी हूँ मैं अपने ससुराल, और आके मैं छत में लव्यांश के साथ टहल रही हूँ। हाय केतु लव्यांश। हाय। हेलो। हेलो। चाची कहाँ है? ये है, ये लव्यांश है। तो मैं लव्यांश के साथ टहल रही हूँ छत पे, उसको घुमा रही हूँ। और थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है, अलग तो कुछ नहीं है, सब वैसा ही है। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग ही नहीं आ रही कि मैं इतने टाइम से अपने मायके थी, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि शायद मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं है। यहाँ आके मैंने सिर्फ अपनी फैमिली से मिली, बाकी बाहर किसी से अभी मिली नहीं हूँ, तो मुझे शायद वो फीलिंग नहीं आ रही। और मुझे अभी किसी ने कहा नहीं इतने टाइम बाद आई ये यार, तो पता मुझे अजीब नहीं लग रहा। लेकिन हाँ मुझे मायके की बहुत याद आ रही है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ सबको। मैं रास्ते भर मतलब रोते रोते आई हूँ। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो मैंने भैया से एक शब्द नहीं बोला, मैं उसे एक शब्द बोलते हुए नहीं आई। मतलब रास्ता ऐसे कटा कि वो भी चुप मैं भी चुप, इस तरीके से हम दोनों का रास्ता कटा। और मैं मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था वहाँ से आते टाइम। ऑब्वियसली बात है इतने टाइम तक वहाँ रही, और मेरी मम्मी सुबह मुझे खुद ही बोल रही थी बेटे लड़कियों को ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो जा रही है, कम टाइम के लिए आना चाहिए अपने सदमाई के। ज़्यादा टाइम के लिए आती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि उनकी विदाई कर रहे हो, ऐसा लगता है कि वो ना जाएं तो अच्छा है, वो हम यहीं रहें, ऐसा फील आता है, कह रही थी। मैंने कहा मम्मी क्या करें, फिर हो जाता है, ऐसा तो होता ही है। मैंने कहा अभी टाइम है, अभी आते हैं रुकने के लिए। मम्मी कह रही है आज बहुत, मतलब सुबह से मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा बोल नहीं रही थी, वो रोने में ही थी चुप चुप के, क्योंकि अगर मेरे सामने रोती तो फिर मैं डांट देती है ना। तो ये लव्यांश भाई सबको देखो, फिर क्या बोलते हैं, पापा भी बहुत रो रहे थे आते टाइम। मेरे पापा थोड़ा इमोशनल बहुत जल्दी होते हैं, मम्मी तो है ही इमोशनल, लेकिन मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा आते रहे। बेटा शाम को सब सब्जी कौन बनाएगा, ऐसे ही बोल रहे। मैं कहा बना के चले जाओ फिर मैं आपके लिए सब्जी। मुझे गुस्सा आने लग रहा था, मैं जैसे ऐसे मतलब मेरे जाने का टाइम यहाँ को आने का टाइम नज़दीक हो रहा था, मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो मैं थोड़ा इरिटेट। और आते रहे तो जैसे ही मुझे मम्मी ने वो करा, पिठियाँ लगाया और टीका किया, सीधे आई कार में बैठ गई और आती रही। ये देखो इसके अलग ही टेंट्रम्स चल रहे हैं, ये अलग ही इसकी डिमांड्स हैं। क्या बेटू आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो बोलो,
कहते हैं चाची भालू, भाली दो, भालू दो से याद। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये देखो पता नहीं से क्या हो गया, मैं कौन हूँ कह रही, मैं स्माइल कर रहा है। लवू मैं कौन हूँ, ये देखो लवू मैं कौन हूँ, यार मुझे पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है ऐसे कर रहा। लबू मैं कौन हूँ, लबू मैं कौन हूँ, ये देखो लबू चाची कहाँ है, चाची कहाँ है, लवियन भालू कहाँ है, भालू अंदर, देखो भालू अंदर है, चाची कहाँ है, वहाँ। मैं कौन हूँ, चाची भालू, भालू मैं कौन हूँ, भालू, भालू याद है चाची को तो हर जा रहा है यार, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही। वो देखो ये देखो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, लड़के पानी डाला, किसने डाला, आप भालू के साथ खेलो, खेलो भालू के साथ, हैं ठंड लग गई, पंखा बंद कर दूँ, भालू को चद्दर उड़ा दो, चद्दर ढका दो फिर, हाँ भालू को ठंड लग गई। ये गाइस देखिए इसकी भालू को ठंड लग गई, ये देखो ठंड लग गई जनाब के भालू को, भालू को ओहो जो ठंड लग गई, पकड़ के बता भी रखी कैसे ठंड लग रही है, बंद करो, आप भी सो जाओ, सो जाओ भालू के साथ बैठ जाओ। तो ये रहा आज का डिनर जिसमें है सूखे चने, पूरी और पुए जो मेरी मम्मी ने बनाए आके भेजे थे मेरे लिए साथ, और रोटी बूंदी का रायता, हमारे घर का ऑल टाइम, मतलब इसे कह सकते हैं कि हमारे मेरे ससुराल में बूंदी का रायता बहुत बनता है, हर रोज रायता बनता है, और साथ में है पनीर। तो ये स्पेशल जो डिनर की थाली तैयार की है, ये की है तैयार भाभी ने, और अब हम लोग अपना डिनर इंजॉय कर रहे हैं।